क्रिकेट की बमचक इज स्पॉन्सर्ड बाय माय 11 सर्कल। करोड़ों फैंस खेलेंगे, करोड़ों फैंस जीतेंगे, कौन जीतेगा और क्या जीतेगा, my11circle.com पे आओ और खुद जान जाओ। डाउनलोड दी ऐप नाउ। सालों में आईपीएल में जो नहीं हुआ वो अब हो गया। 224 रन का टारगेट आईपीएल इतिहास में पहली बार चेज हुआ है। आईपीएल सीजन 2020 के 9वें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने किंग्स इलेवन पंजाब को 4 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की। शारजा में खेले गए इस मैच में रॉयल्स ने टॉस जीतकर पंजाब को बैटिंग के लिए बुलाया। मयंक अग्रवाल के शतक और राहुल की 50 से पंजाब ने 223 रन बोर्ड पर टांगे। जवाब में राजस्थान की टीम मैच में फंस गई थी, लेकिन मैच के हीरो कहें या शो स्टॉपर कहें, वो एक ही प्लेयर रहे, राहुल तेवतिया। राहुल ने हारी हुई बाजी को पलट दिया। लल्लन टॉप के मैच के पलटू भी तेवतिया ही रहे। चलिए बताते हैं कि किस मोमेंट ने इस हारी हुई बाजी को राजस्थान की तरफ पलट दिया। पारी के 10वें ओवर में दूसरा विकेट गिरने के साथ ही तेवतिया क्रीज पर आए, लेकिन प्रेशर गिराने के बजाय वो प्रेशर बढ़ाने लगे। वो एक के बाद एक डॉट गेंदे खेलने लगे। पहले मैक्सवेल, फिर बिश्नोई, उन्होंने सबके ओवर में डॉट्स खेले। 16वां ओवर खत्म हुआ तो तेवतिया 21 गेंदों में सिर्फ 14 रन बनाकर खेल रहे थे, जबकि टीम को जीतने के लिए 24 गेंदों में 63 रनों की जरूरत थी। एक एंड से संजू सैमसन भी आउट हो गए। अब राजस्थान हार की तरफ जाती दिख रही थी। राजस्थान के कितने ही फैंस ने टीवी को ऑफ कर दिया। एक और ओवर गया, तेवतिया अब 23 गेंदों में 17 रन बनाकर खेल रहे थे, लेकिन यहां से तो मानो तेवतिया के कान में किसी ने कुछ फूंक दिया। तभी आया पारी का 18वां ओवर। वो शेल्डन कॉटरल, जिन्होंने 2 ओवर में 22 रन दिए थे। उन्हें अभी भी नहीं पता था कि उनके साथ आईपीएल में सबसे बुरा होने वाला है। तेवतिया ने ओवर की पहली गेंद को 6 रन के लिए पार पहुंचा दिया। लोगों ने कहा हो सकता है तुक्का लगा होगा। अब कॉटरल अगली गेंद लेकर आए, लेकिन ये क्या, फिर से गेंद 6 रनों के लिए पार निकल गई। अब आई तीसरी गेंद, लेकिन इस बार फिर से 6 रन। पहली 3 गेंदों पर 3 छक्के, छक्कों का हैट्रिक। राहुल तेवतिया, जो राजस्थान को हार दिखा रहे थे, वो मैच पलट रहे हैं। कॉटरल चौथी गेंद लेकर दौड़े, लगातार चौथा सिक्स। तेवतिया ने पंजाब को जवाब दे दिया। राजस्थान रॉयल्स एकदम से लड़ रही है। पांचवी गेंद मिस हुई और ओवर की आखिरी गेंद को मिड विकेट एरिया में फिर से 6 रनों के लिए भेज दिया। पारी के 18वें ओवर में आए 30 रन और राजस्थान को जीतने के लिए 12 गेंदों में सिर्फ 21 रन चाहिए। आखिर में आर्चर के 2 और तेवतिया के 1 और छक्के के साथ राजस्थान ने इस मैच को जीत लिया। तेवतिया ने 31 गेंदों में 7 छक्कों के साथ 53 रनों की शानदार पारी से राजस्थान के लिए मैच को पलट दिया। तेवतिया आईपीएल हिस्ट्री में एक ओवर में 5 छक्के लगाने वाले दूसरे बैट्समैन बन गए। पहले क्रिस गेल हैं। अब थोड़ी बात आपके काम की भी कर लेते हैं। अगर आप माई 11 सर्कल ऐप पर अपनी टीम बनाते हैं तो बढ़िया इनाम जीत सकते हैं। आपने अब तक माई 11 सर्कल ऐप डाउनलोड किया? अगर नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए और जीतिए ढेर सारे इनाम। क्योंकि अगर आप दी लल्लन टॉप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको मिलेगा 20% एक्स्ट्रा कैश। ऐप डाउनलोड करके बीट दी एक्सपर्ट कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए और अपने कैश को दुगना कीजिए। आईफोन जीतिए, हर हफ्ते करोड़पति बनिए और सीजन के एंड में 2 करोड़ जीतने का भी शानदार मौका है। पिछले हफ्ते के जो करोड़पति हैं उनकी पिक्चर इस हॉल ऑफ फेम में लग गई है। अगर इस हफ्ते के कॉन्टेस्ट में आप करोड़पति बनते हैं तो आपकी तस्वीर भी वॉल पर जल्दी ही आ जाएगी। हमारी टीम ने राजस्थान पंजाब वाले मैच में कैसा परफॉर्म किया ये भी जान लेते हैं। लल्लन टॉप की टीम ने इस मैच में राहुल तेवतिया और संजू सैमसन दोनों को रखा। दोनों ने कमाल का परफॉर्मेंस भी दिया। संजू को 131 और तेवतिया को 41.5 पॉइंट्स मिले। आज शाम 7 बजे मैच से ठीक पहले हम फिर आएंगे लाइव। तब तक क्रिकेट से जुड़ी बाकी सारी खबरों के लिए आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। कैमरे के पीछे जेरी और मैं मेघा।